दोस्तों, मैं आनंद और मेरे साथ है मोहन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माइक के बारे में, जो कि एंड्रॉयड फोन डिवाइस से या फोन वगैरह से, लैपटॉप वगैरह से किसी भी आसानी से हम यूज कर सकते हैं उसे। और मैंने काफी वीडियो देखी है यूट्यूब पे माइक बनाने के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई उनमें से। तो मैं सोचा कि ना मैं आप लोगों के लिए भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं, जिसके लिए घर पे ही हम माइक का यूज इसी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, प्रोफेशनल टाइप लाइक दिस। जैसे कि हमें क्या क्या सामान चाहिए उसके बारे में आपको मोहन जी बताएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे इस चैनल पे। ये देखिए, इसका लेंगे इसको एक वायर जो हमारे अक्सर, ये देखिए इसका लेंगे इसको एक वायर जो हमारे अक्सर करके ऑक्सीड में काम करती है, और ऑक्सीड के लिए हम इसे निकाल लेते हैं, ये बाहर निकाल लिए। और ये कहीं भी मिल जाती है, सिंपल है। और दूसरी है, ये हमारा हेडफोन का जो बाहर का कवर है, इसको हमने यहाँ से आप निकाल रखे, हमने ऑलरेडी ले रखा है। और दूसरा हमारा पेस्ट और शोल्डर आयरन होना चाहिए, और इसमें ही एक हमारा लीड में के अंदर ही माइक निकलता है, और वो माइक हम देखते हैं। हमारे पास एक माइक है और बाकी हमारा माइक कोर्स लेके हमने इसमें ऑलरेडी पहले से ही सेट कर रखा है, ताकि मतलब आपको सही से नजर नहीं आ रहा है। और आपको मैं बताऊँ कि इस तरह से निकलेगा आपको, इसमें एक हैंड भी ले देते हैं, उसमें जो खोलेंगे हम उसके अंदर निकलेगा माइक निकलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइक ग्राउंड और माइक जो सप्लाई होती है वो कौन सी है, तो 3 पिन में कौन सी होती है, 4 पिन में कौन सी होती है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये मल्टीमीटर चेक करेंगे। तो पहले नंबर की जो होती है वो ग्राउंड ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड के लिए हमेशा नेगेटिव रहती है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में, ये ग्राउंड है जो माइनस में चलती है। दूसरी आती है ये पॉजिटिव रहती है, ये अक्सर के माइक में प्रयोग होती है, जितने भी फ़ोन हैं एंड्रॉयड फ़ोन है उनके लिए दूसरे नंबर की होती है। अगर हमारे पास अगर 3 पिन में नहीं है, अगर हमारे पास है 4 पिन में आए, तो हमारा ऊपर से जो सेकंड है वो अगर माइक हमारा माइक का सिस्टम होगा, बाकी 2 साउंड के होते हैं। तो उसके लिए हम अब तैयार करने के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक को चेक करेंगे कि माइक में ग्राउंड कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो मल्टीमीटर से चेक करते हैं, मल्टीमीटर ध्यान दीजिए, हमारा ये उस साइड का प्लस है। और चेक करने के लिए तो ये बाहर कवर रख सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं, तो हम इस तरह से मालूम पड़ जाएगा हमारा कौन सा माइनस है। तो हमारा ये पहला माइनस है, तो माइनस को हम माइनस में लगाते हैं। आप भी ये कर सकते हो। एक्चुअली हमने पहले से सेट रखा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको कम टाइम में है सब कुछ इजिली समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे पेस्टिंग सोल्डरिंग की जा रही है। पहले हम इसको अपने जो कवर था बाहर का जो हैंड फ्री अक्सर होता है वो हम इसमें फांसेंगे। और हमने छोटा सा मैटर लगाया है ताकि हमारी ये टाइट रहे, और हम इसको कहीं भी होल्ड करें या मोड़ें तो हमारा ये टूटे ना, देने के लेना खराब ना हो, इसलिए हमने पहले से मैटर से लेकर के बहुत लगा रखा है। इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से, और जो भी वायर है हम कनेक्ट करते हैं। हम वीडियो नहीं काटते हैं, इसलिए हमने पहले से ही पता था कि हमें काट के लगाना पड़े, तो सेल कर लिया और हम इसको ढक्कन पर लगा देते हैं, क्योंकि जब आप खोलोगे इसको तो आप, और ये हमने पहले से ही एक फिल्टर होता है, तो फिल्टर से लगा रखा है ताकि हमारे अंदर जो बेस होता है आवाज़ क्लियर जाए, हमने फिल्टर लगा दिया है। तो इस तरह से रेडी होगा। और हमारे ये नट था, हमने इसलिए लगा रखा था ताकि हम इसको टाइट कर सकें, ताकि हमारी दिक्कत ये खोलने में पड़े ना। देखिए बहुत सिंपल है, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसको हम थोड़ा इसलिए करेंगे, एलपी डाल के हम चाहो तो इसे हम टाइट भी कर सकते हैं, ताकि हमारे ये प्रॉब्लम आगे ना आए। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से माइक लगाते हैं, बहुत इसी तरीके से यही बना सकते हैं। और किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे लगी आपको, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ ले जाते।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।